हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड किचन व्लॉग्स। गाइस, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो आइए मेरे साथ हम गणपति बाप्पा को वेलकम करते हैं और उनके फेवरेट मोदक के साथ। तो चलिए बनाते हैं उनके लिए प्रसाद कुछ नए अंदाज में। मैं आपको दिखाऊंगी कि मोदक में मैंने कौन सा ट्विस्ट दिया है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं अंजीर बादाम मोदक, जो गणपति बापा को बहुत पसंद आएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए हमने एक पैन में 500 ml फुल फैट मिल्क ऐड कर दिया है। आप इसमें एक उबाल ले लें और उसके बाद हम लो फ्लेम पे हम इसे हाफ ना हो जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे। तो देखिए, दूध को उबालते उबालते मुझे 15 टू 20 मिनट्स हो चुके हैं और ये दूध अच्छे से थिक हो चुका है, मावा जैसी थिकनेस आ गई है इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टाइम पे इसमें 1/3 कप शुगर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने शुगर ऐड की है तो वो अपना पानी छोड़ती है। बाद में फिर से हमें थिक करना है, मावा जैसी थिकनेस करनी है और मावा रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मावा बनके तैयार है और अब हम इसमें अंजीर और बादाम की कतरन ऐड कर देंगे। अंजीर को मैंने फ्रेंड्स एकदम छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था और बादाम को भी मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था, वो हम ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा ये अंजीर बादाम मावा तो बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे पूरी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हम 15 टू 20 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा अंजीर बादाम मावा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसके मोदक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मोदक मोल्ड ले लेंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको हाथ से कैसे बनाते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी। तो हम मोल्ड ले लेंगे और इसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने मेवा बनाया है अंजीर बादाम का, वो उसमें फिलिंग स्टफ करते जाएंगे, फिलिंग भरते जाएंगे और इसमें फिल करते जाएंगे। ये स्टफिंग हम सारे जगह पे फिल कर देंगे अच्छे से और बीच में हम एक अंजीर का टुकड़ा ले लेंगे और बीच में वो स्टफ कर लेंगे, ताकि जब वो और भी हेल्दी हो जाएगा हमारा ये मोदक और टेस्ट में भी चार चांद लग जाएंगे। और ये एक्स्ट्रा जो है वो हम हटा देंगे और अब हम हल्के हाथों से इसको ओपन कर देंगे और ये देखिए, लुक एट दिस गाइस, कितना अच्छा लग रहा है और कितना परफेक्टली बना है मोदक हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से इसको उठा के फिर हाथ में ले लेंगे हल्के हाथों से, ताकि हमारा मोदक है वो टूटे नहीं। और ये देखिए, बहुत बढ़िया मोदक बनके रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरे सारे मोदक है वो रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, अब हाथ से कैसे बनाते हैं वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने थोड़ा सा मोदक का जो मावा है वो ले लिया है हाथ में और इसे इसको पहले गोल घुमा लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते जाएंगे और मोदक जैसा शेप दे देंगे। तो ये देखिए, हमारा मोदक तो हाथ से भी अच्छे से बन चुका है, ये भी रेडी है। तो इसी तरह हम सारे मोदक रेडी कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि ये मोदक हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और गणपति बापा के लिए ये प्रसाद आप इस गणेश चतुर्थी के ऊपर जरूर बनाएं। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।